हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे आप सब लोग आई होप कि आप लोग अच्छे हैं तो फ्रेंड्स देखिए आज मैं आईब्रो थ्रेडिंग का वीडियो दे रही हूँ तो देखिए पहले जो है पाउडर लगा लेना है और मैं कॉटन से ये पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप लोग इस तरीके से कॉटन का पाउडर इस्तेमाल कीजिए और फिर मैं जो एक्स्ट्रा हेयर है, है सीजर से कट कर रही हूँ पाउडर कॉटन से इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो है हाइजीनिक मेंटेन करना जरूरी है तो अगर आप एक बार एक कॉटन का इस्तेमाल कर रही हो तो वो लगा के फिर आप थ्रो कर सकते सो so, वो कॉटन आप फेंक दीजिए और जब आप दूसरा क्लाइंट हैंडलिंग करेंगे तो आप दूसरा कॉटन इस्तेमाल कीजिए इससे क्या होता है हाइजीन मेंटेन होता है देखिए किस तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ सेब देना और ऐसा छोटा छोटा करके स्टॉक देना है पहले जो है सेब देना है और लास्ट वीडियो में आप जो है आप लोगों में सिखाई किस तरीके से जो है आपको थ्रेडिंग होल्ड करना है और किस तरीके से आपको धागा चलाना है आज मैं सेब दिखा रही हूँ देखिए किस तरीके से सेब दे रही हूँ पहले तो ऐसे सेब देना है आपको जो इनका हेयर पहले से किया हुआ है उसी अकॉर्डिंग आपको करना है अगर पहले से किया हुआ नहीं है तो आपको से बिठाना है तो आपका अगर नया नया हाथ है तो आप जो पहले से किया हुआ है से बिठाया है उसके ऊपर ही प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ आपको एक्स्ट्रा हेयर ही निकालना है और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा तो पहले इस तरीके से लाइन क्रिएट कर लीजिए और जो आपका धागे के लाइन पर आ रहा है सिर्फ उसी को निकालिए और आपको अगर लग रहा है कि एक दो छूट गया है तो आप फिर से एक लाइन कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा हेयर है उससे पहले बाद में आप धागा चला लीजिए तो देखिए इस तरीके से देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो आप पहले थोड़ा थोड़ा करके सीखिए और थोड़ा थोड़ा करके निकालिए और ऐसा लाइन क्रिएट करते रहिए तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही रूँ कि आप लोग किस तरीके से पहली बार थ्रेडिंग करोगे देखिए सेफ ऐसा ही होना है इस तरीके से अभी क्लाइंट को बोलना है तो होल्ड करने के लिए किस तरीके इस तरीके से समझाना है और आपको दिखाना है किस तरीके से उसको पकड़ना है और देखिए नीचे से देखिए मैंने कैसे करके रखी हो उसी तरीके आप लोगों को रखना है देखिए किस तरीके से मैंने धागा रखा है एकदम सीधा हाथ को आपको सीधा रखना है और सीधा देखिए किस तरीके से मैंने लिया वैसे ही आपको लेना है और जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो रहता है उसको भी साथ साथ उठाते जाना है तो ऐसा देखिए बहुत ही अच्छा सा सेप आया है और आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पहले से सेप क्रिएट किया हुआ है सिर्फ आपको जो एक्स्ट्रा हेयर है, है उसी को निकालना है देखिए आपको दिख रहा होगा देखिए किस तरीके से मैं एक एक जो है आप लोग दिखा रही हूँ और देखिए ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा जो हेयर है, है उसी को जो है आपको निकालना है और प्रैक्टिस करते रहना है एक बार में आप प्रैक्टिस मत कीजिए थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही धीरे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो है गलती से भी आईब्रो ख़राब ना हो जाए क्योंकि जो है आईब्रो का जो है शेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेस के लिए सो आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करो तो नीचे का जो है पार्ट बहुत ज़्यादा नाजुक होता है तो आपको थोड़ा टाइट पकड़ने बोलना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको ध्यान से काट मतलब थ्रेडिंग करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको गड़बड़ी हो तो काट सकता है इसलिए थोड़ा सा टाइट करके पकड़ने बोलने बोलना पड़ेगा यहाँ पर तो देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियर दिखा रही हूँ और थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और देखिए और ऐसा करके धागा को उठा उठा के मैं देख रही हूँ कि एक दो छूट गया हो तो उसको भी चला लेना है एक बार धागे को और फिर से मैं ऊपर की तरफ मुझे दिखा कि थोड़ा सा एक दो छूट गया है तो मैं फिर से चला रही हूँ और फिर चेक कर लेने बोलिए क्लाइंट को कि आपका है आ, कैसा हुआ है अगर थोड़ा सा उनको लगा कि ऐसा ज़्यादा मोटा पतला तो वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं तो क्लाइंट को ठीक ही लगा और मैं यहाँ पर मिडिल में देखिए थ्रेडिंग कर रही हूँ और मिडिल में इस तरीके से देखिए ऊपर से नीचे की तरफ जो है ऐसा उठाना है तो मिडिल में भी इस तरीके से आपको धागा चलाना है और बहुत ही धीरे से आपको धागा चलाना है ताकि कोई भी जो है एक्स्ट्रा हेयर निकल ना जाए और जो हेयर जो दिख रहा है सिर्फ उसी, उसी को उठाना है और देखिए ऊपर में भी एक बार चला रही हूँ ऐसा चला ले लीजिए और अभी मैं लेफ़्ट साइड में करूँगी और लेफ़्ट साइड में करने से आपको क्या करना पड़ेगा पीछे जाना पड़ेगा और आपको पीछे से ही थ्रेडिंग करना पड़ेगा तो इस जो थ्रेडिंग आप लेफ्ट साइड में करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि इसमें दिखता नहीं है पीछे से आपको एक क्या होता है आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है और आप जिस तरीके से आप डाई तरफ जो है थ्रेडिंग किए सेम तरीके से इस तरफ भी थ्रेडिंग करेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये आइडिया आ जाता है लेकिन अगर प्रैक्टिस बहुत कम करते हो तो आइडिया जो होने में बहुत टाइम लग जाता है तो आप प्रैक्टिस करो और पीछे से देखिए मैं पीछे खड़ा होकर पीछे से मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ और पीछे से सेम तरीके से जो उसी लाइन पे आप लिए सेम तरीके से इस लाइन में भी सेम तरीके से आपको करना है और थोड़ा थोड़ा करके जो एक्स्ट्रा हेयर है सिर्फ उसी को निकालिए अभी और मैं वही लाइन क्रिएट कर रही हूँ और एक्स्ट्रा हेयर निकाल रही हूँ और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा तो इसी तरीके से आपको लाइन क्रिएट करके निकाल लेना है और जब आपका थ्रेडिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर आप सामने जाके देख के देख आप चेक कर सकते हो कि थोड़ा मोटा हुआ है या पतला हुआ है तो उसी एकॉर्डिंग आपको दोनों जो है बराबर करना है अभी मैं उसको पकड़ने बोल रही हूँ देखिए इस तरीके से पकड़े हैं सेम तरीके से पकड़ने बोलना पड़ेगा और बहुत टाइट पकड़ने बोलना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि अगर टाइट नहीं पकड़ेंगे तो क्या होता है कट जाता है तो आपको यहाँ पर टाइट पकड़ने बोलना पड़ेगा और देखिए एकदम धागे को सीधा पकड़ के ऊपर की तरफ जैसे मैंने लाइन एक लाइन क्रिएट किया वैसे ही लाइन क्रिएट करना पड़ेगा और जो एक्स्ट्रा हेयर है सेम तरीके से भी आप लोग आपको निकालना होता है ठीक है और देखिए मैं फिर से जो है लाइन बिठा रही हूँ जो मुझे दिख रहा है देखिए एकदम क्लीन से मैं निकाल रही हूँ क्लीन करके वीडियो करने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि थ्रेडिंग का जो है बहुत नज़दीक से ये करना पड़ता है यहाँ पर मैं जो जिनको मैं वीडियो करने बोली हूँ वो थोड़ा सा वीडियो करने में बहुत ज़्यादा हिल रहा था तो दिक्कत हो रहा था तो फिर भी बहुत अच्छा आया वीडियो तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए सो so, जो एक्स्ट्रा हेयर है, है वो मैं निकाल ले रही हूँ ताकि जो है काम करने में आसानी हो और फिर मैं लाइन क्रिएट कर रही हूँ अगर आप अब तो पहले नए नए हो इस वीडियो में आप लोगों को नए जो है उनके लिए दिखा रही हूँ तो आप पहले लाइन क्रिएट कर लीजिए फिर जाके जो एक्स्ट्रा है फिर उसको निकालिए लेकिन दो तरीके से कर सकते हो पहले एक्स्ट्रा हेयर निकाल सकते हो फिर लाइन क्रिएट कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर जो है पहले लाइन क्रिएट कर लेते हैं फिर जाके एक्स्ट्रा जो हेयर है उसको निकाल लेते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसलिए मैंने बार बार उंगलियों से उनको थोड़ा सा सहला दे रही हूँ तो इससे अच्छा होता है क्योंकि ये ब्लेड से थ्रेडिंग कर रहे थे तो इनका जो ग्रोथ है बहुत मोटा था तो जो ब्लेड से करते हैं उनका जो आ, हेयर है वो बहुत मोटा हो जाता है और जब थ्रेडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो हेयर ब्लेड से जो है थ्रेडिंग ना करे और ऐसे ही थ्रेडिंग करे तो देखिए किस तरीके से देखिए कैसे मैंने जो है थ्रेडिंग कर चुकी हूँ मैं तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए एकदम जो पहले से सेप दिया हुआ है उसमें कीजिए आप लोग तो इससे आपको भी आसानी होगा प्रैक्टिस करने के लिए तो ऐसे ही आप दो तीन बार प्रैक्टिस कीजिए अब आसानी से आप लोग अच्छे से थ्रेडिंग कर पाएंगे ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है थ्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो देखिए फिर से मैं थोड़ा सा थोड़ा सा मिला ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ किस तरीके से आप पहला पहले बार जब करते हैं किस तरीके से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो जो जो दिख मतलब थोड़ा थोड़ा दिखता है कि एक दो रह गया तो आपको निकाल लेना होगा ठीक है तो उनको लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हेयर निकलेगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हेयर को सेफ दे रही हूँ तो उनको थोड़ा सा पतला चाहिए यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा सेफ दे रही हूँ तो इस तरीके से जो है आपको क्लाइंट को भी पूछना पड़ेगा और क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा तो मैं इस तरह भी चेक कर रही हूँ दोनों समान होना चाहिए कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर जाके आप लोगों को मॉस्टराइजर क्रीम इस तरीके से अप्लाई करना है क्योंकि ऐसे छोड़ना नहीं है मॉइस्टराइजर क्रीम अप्लाई करना जरूरी है और अच्छे से मसाज कर दीजिए देखिए किस तरीके से आ, मैंने मसाज कर रही हूँ वैसे आपको करना है तो देखिए बढ़िया आईब्रो थ्रेडिंग हुआ है एकदम साफ तरीके से काम कीजिए हमेशा तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगे मैं लाइव से शेयर करना ना